वेलकम टू माई चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं तो तुम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं आप लोगों का आशीर्वाद से ठीक हूँ। बट मेरे पास ना दो स्वेटर था, पूजा दीदी थी, मैं ननन पर एक ही को स्वेटर में कितना ब्लॉग बनाती है बोला रही तो मेरे पास दो स्वेटर था, एक स्वेटर ना डाटा में छूट गया और एक तो स्वेटर यहीं पे था तो पहन लिए। तो ये दो स्वेटर पूजा ही दीदी दी थी पहनने के लिए, तो एक स्वेटर इसको नहीं पहन रहे थे, फिर अभी पहन रहे हैं। क्या करें फ्रेंड, ठंडा भी लगता है। अब पता नहीं क्या हो रहा, सुबह से इतना खांसी पर खांसी हो रहा और वैसे खपरा घर में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता रात में। तो अभी मैं किचन में हूँ, किचन में अभी मैं बना रही हूँ चाउमीन। टेस्टी टेस्टी यानी मैं चाउमीन बनाऊंगी, जैसे होता है वैसे बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को उतना खांसी बनाने नहीं आता है। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं, कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए। आज ना अदरक लहसुन डाल के बनाए गए हैं, क्योंकि आज देखते हैं अदरक लहसुन डाल के कैसे लगता है बना खाने में। तो चलिए आप लोग बने रहिए कंटिन्यू, आप लोग दिखाते हैं बैक कैमरा से क्या क्या काटे क्या नहीं। आप देख सकते शिमला मिर्च, प्याज और बीन्स काटे है, और यहाँ पे क्या बोलते इसको विनीगर है, नहीं सोया है, नहीं विनीगर है, और यहाँ पे सोया सॉस है, और आज रिफाइन तेल है थोड़ा सा, तो रिफाइन तेल से बनाते हैं। और यहाँ पे चाउमीन का हम बॉईल कर चुके हैं, ज़्यादा बॉईल नहीं की इसका, हम फुकले आटा कम तीन कर गिला जाओ तो। और इसके अंदर में चाउमीन का मसाला है, दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा से, तो थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अदरक लहसुन जो कूट लिए, मतलब उसको छोटा छोटा अच्छे से इसको हम पीस कर लिए। तो चलिए अभी चूल्हा जलाते हैं बनाने के लिए स्टार्ट। तेल डाल दिए थोड़ा से, क्योंकि ज़्यादा तेल ना बहुत ज़्यादा तेल खेल जाता है, तो यहाँ पे तेल डाल दिए। अब यहाँ पे अदरक लहसुन डाल देंगे तेल गर्म होने के बाद। यहाँ जो अदरक लहसुन को जो फ्राई कर रहे हैं हल्का हल्का क्रंची से प्याज को फ्राई करेंगे, और उसके बाद साथ ही साथ हम डाल देंगे अब बीन्स यहाँ पे हैं, बीन्स और शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे। यहाँ पे जितना बिम्स है बिम्स को सब ऐड कर देते हैं। इसमें सिर्फ गाजर का कमी हो गया, गाजर नहीं है, गाजर में तो और अच्छा लगता है, और चाउमीन मसाला भी ज़्यादा नहीं है, वैसे ही बनाएंगे सब कुछ। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ऐसा बनाएंगे तब इसमें ये फ्राई होने में दो मिनट लगाते हैं, उसके बाद फिर शिमला मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा चाउमीन आज फ्रंट गिल्ला गिल्ला बन गया, तो गिल्ला की वजह से देख सकते हो मेरे चाउमीन का हालत क्या हो चुका है, और कितना घटिया लग रहा था। मैं बताइए ना, हमको बनाने भी नहीं था, कब मैं सीखूँगी ठीक से बनाने, समझ नहीं आता। बनने का ठीक बनता बट मैं फ्रंट में हम ऐसा चाउमीन ना गिल्ला हो जाता, कब उतारना चाहिए बना कर पता नहीं, इससे जाना चाहिए, मेरे को वही समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़ हो जाती है। तो आप लोगों को पता है अगर फ्रंट, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताइए कैसे करते हैं, बोलकर ठीक है फ्रंट वो आज ऐसे ही खाना पड़ेगा नाश्ते में, देखते कि मेरे चाउमीन का हाल क्या है। आ यू ची 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 इतना गंदा दिख रहा है, अब क्या करें फ्रेंड, चाउमीन गिल्ला होने का नतीजा ऐसे ही होता है। ब्रश व्रस करने के बाद अभी देख सकते कि मेरा चाउमीन का धज्जा उड़ चुका है। प्लीज़ ऐसा चाउमीन आप लोग खाइएगा नहीं है, मैं खा कर देखूँगी कैसे लग रहा है ब्रश व्रस करने के बाद। इससे तो खुशबू बहुत टेस्टी टेस्ट आ रहा है, नहीं नहीं बना बहुत घटिया सा। तो चलिए फिर खाने स्टार्ट करते हैं हम। तभी शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट करी, और रोहित जी फेसबुक पर फिल्म देख रहे हैं साउथ हीरो का, हम लोग को बहुत पसंद है साउथ हीरो, अल्लू अर्जुन, फिर और एक महेश बाबू, फिर और एक हीरो, दो तीन हीरो जो लोग, सबसे ज़्यादा मेरे को अल्लू अर्जुन का मूवी बहुत पसंद है। और मेरा बेटा देखने यहाँ पर काली मम्मी मेरे को बना दिया यहाँ पर, और रोहित जी अभी नाश्ता में लेकर आए, क्या लेकर आए हो नाश्ता में? समोसा और मूढ़ी। तो अभी गर्म गर्म समोसा और मूढ़ी पैकेट लेकर आए हैं, तो अभी यही नाश्ता में करेंगे अभी शाम में। और उसके बाद तो जो मैं अभी चावल रात का है, तो चावल रोहित जी मैंने खा लेगा, बस मेरे लिए थोड़ा सा रोटी बनाना है, और बैंगन दो तो बैंगन का भरता बनाएंगे, क्योंकि मेरा भरता हमें बहुत दिल है, बट आप लोग मना कर तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा खा ही लेंगे अपने। तभी दाल उल कुछ भी नहीं बना, तभी स्टार्ट करें मुड़ी उड़ी खाने का बात ना। वो इसमें क्या पानी डाल के खाना होगा, चटनी तब मेरा जन सुन, सुबह में ब्लॉक स्टार्ट होता है मेरे बाबू का तेल लगाने के बाद, शाम में ब्लॉक स्टार्ट होता है बाबू का तेल लगाने के बाद, तो बाबू को तेल लगा रहे, वो अपना मजे से खेल रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ, तो ये तो समय खाती हूँ, उसके बाद फिर जाकर किचन में लग जाऊँगी काम करने। तो आप लोग इसे मेरे ब्लॉग पर बनी रही है, और फिर मैं 10 बजे रात का ब्लॉग आएगा, तभी मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड, तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा मेरे ब्लॉग, ठीक है फ्रेंड। मैं कौन फुकली मैंने ना रही, मैं ननंद अभी शाम का बज रहा, कितना बज रहा शाम का 6:43 हो रहा है, अभी मेरे ननंद नहा रही है, वो भी ठंडा पानी से, कल का पानी से नहा रही है, कैसे नहाएगी पता नहीं, ठंडा ठंडा
मैं तो गंदगी नहीं लग रहा, मैं कल नहाऊंगी सर धो करके मस्त पर, और फिर बाबू को नहलाएंगे, इसलिए आप लोग बने रहने बाद में कंटिन्यू। चिड़ी खाने के बाद हम गए थे दुकान, दुकान से सामान, मोबाइल पता है मेरे हाथ से गिरते गिरते बच गया, ब्लॉग अपने फिर बंद हो गया था, तो नमक खत्म हो गया था यहाँ पे, देखे उसके बाद नाश्ता सब मैगी होगी और ये सब कुछ कुछ समझ से मंगा लिए, शैम्पू उम्पू से नहीं था तो इसे मंगाया है, और यहाँ पे नमक भी खत्म हो गया था, नमक पैकेट लिए 14 रुपये पैकेट लिया था, और हम मार्केट से लाए थे बाजार से तो 10 रुपये पैकेट लिया था, यहाँ पर 14 रुपये पैकेट लेता था, तो अभी मैं आते साथ यहाँ पे देख मेरे हाथ से अपने पता चल गया कि मैं क्या काम कर रही थी, तो आप लोग बैक कैमरा से दिखाती हूँ, आप लोग बने रहिए मैं ब्लॉग पे कंटिन्यू। आटा इतना प्यारे प्यारे हाथों से अपने सानी हूँ, और लोया भी बना ली हूँ इतना प्यारी प्यारी से, मैं ना ऐसी लोया बनाती हूँ, और यहाँ पे दाल में बनाऊँगी अभी, और यहाँ पे दो मैं बैंगन को जला ली हूँ, बैंगन का अभी जो है छील छाल करके इसको अभी चोखा बनाने के लिए रेडी करूँगी, तो यहाँ पे मैं पास तावा नहीं है बट डोसा ला तावा है, तो इसी में हम रोटियाँ भी बनाएंगे, और तावा भी ले लेंगे फ्रेंड कुछ टाइम का बाद, और यहाँ पे दाल अभी चढ़ाने के लिए यहाँ पे दाल डालती है, थोड़ा सा हल्दी है, थोड़ा सा नमक डाल कर इसको दाल को उबालते हैं, चलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए। प्याज में काट लिए धनिया पत्ता, और यहाँ पे टमाटर दो काटी हूँ, और मैं रोटी बन के रेडी हो चुका है, फुला फुला रोटी, और यहाँ पर चिकन मसाला नहीं है और मिर्चा नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मसाला मतलब आपका मिर्चा पाउडर यूज़ करूँगी आज, चिकन मसाला लिए, चिकन मसाला डाल के बनाने में बहुत टेस्ट रहता है, जीरा है और हल्दी है, और दाल भी मेरा बन के रेडी हो चुका, बस इसको जीरा मिर्चा से ला कर उसको छोंकना, तो मिर्चा तो है नहीं फिलहाल, तो हमको खाली जीरा से छोंकना होगा दाल को, और यहाँ पे मैं तेल सरसों तेल डाली हूँ, और कढ़ाई को मैं हल्का आँच से मैं बैठाई हूँ, और अभी तक बैंगन नहीं साफ की हूँ, तो बैंगन का भी छीलूँगी, और यहाँ पर लहसुन भी ली हूँ, लहसुन का भी साफ करना होगा, मतलब चोकला छिलना होगा इसका भी, तब जाकर लहसुन बैगन में डाल के बनाएंगे, तब लोग बने रही, और बाबू मेरा उठ गया है तो किचन कर रहा है, उसको हम पकड़ लेते हैं, रोहित जी पकड़ा हुआ है, तो चलिए फटाफट बनाते हैं, चल बेटे तेरा माँ को देखते हैं क्या बना रहा, तेरा मामा किचन में क्या सब्जी बना रहा है, क्या बना रहा है किचन में, आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता, दाल और रोटी बनाए हैं, और रात का चावल है, तो आज यही सब खा के सोना है, यहाँ पर धनिया पत्ता काटे थोड़ा हाथ में बैंगन बैंगन हो गया है, तभी दाल छोकेंगे, तो दाल छोकने के लिए रेडी करते हैं, यहाँ पर मेरे बैंगन का भरता कुछ इस तरह का देख रहा है, करते मेरा बैंगन का भरता बन रहा है, आज बैंगन का भरता बहुत टेस्टी बनने वाला है, तो आज मैं बैंगन का भरता को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ, बट कुछ कुछ वर्ष तो कमी लगे, क्योंकि बोलिए मिर्चा नहीं है, हरा मिर्चा नहीं, दाल बन गया बस दाल को छोंकना है, फिर दाल छोंकने के बाद फिर बन जाएगा, फिर मसाले सब को देख के खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर सो जाएंगे, और फिर फिर दाल इसको अच्छे से मिक्स कर लेते, क्योंकि गोटा गोटा बैगन है ना, तो फिर मुँह में लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, फिर तो बाबू को लेकर बाबू जब रहे ना तो बैठा मतलब अपना गोदी में रख के नीचे में फटाफट बना भी सकते है, लेकिन नीचे में ठीक है बट ना थोड़ा ऊंचा भी रहने से अच्छा है, क्योंकि खड़ा खड़ा बनने में अच्छा लगता है और बैठ कर भी अच्छा लगता है, तो बस हमको सिलेंडर नया लेना और बड़ा वाला सिलेंडर लेना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब फैमिली लोग मेरे को कमेंट किया जब पलंग ले ली तो बड़ा वाला सिलेंडर भी ले लो, कितना भर 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 जाएगी और बोली, तो आप लोग सही बोल रहे बट थोड़ा सा बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, बड़ा वाला सिलेंडर भी बहुत जल्दी ले लेंगे ना, बोला ऐसा दो तीन दो तीन दिन से बात की है सिलेंडर का लेकर के, तो वो लोग बोला है तो फिर वो वाला मिल जाए तो फिर नो टेंशन ना, बस आप लोग सपोर्ट और प्यार करते रहिए, हम लिए तो खाना पीना हो चुका और हमने अपना अपना बिस्तर पर आ चुके सोने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं अब सोने के लिए हम जा रहे हैं, तो बोलो बैगन का भरता अच्छा लगा कि नहीं बता दो, अच्छा तो लगा लेकिन आलू में आलू अगर मिला तो ज्यादा अच्छा लगता, ए बोलेंगे रोहित जी का हम तो बोलने बोलती है आलू का दीवाना है, समझ नहीं जितना आलू दीजिए उतना आलू खाएगा ये आदमी ठो, आज जब बाबू पेट में था ना तब भी बहुत आलू खिलाया था, बहुत आलू खिलाता था ये आदमी ठो, इसलिए आलू जैसे गोलू मोलू हो गया, तो बस यही था फ्रेंड, और आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, और आप लोग खाना पे क्या खाते रात के डिनर पे तो कमेंट कर बताइएगा, अभी हम भी जा रहे सोते हैं, तो सुबह में उठना, सुबह में बाबू को तेल मालिश करने के बाद फिर मेरा ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है, और चलिए मेरा बेटा अभी खेल रहा है उसको खेलने दे दो थोड़ा से, और रोहित जी कुछ बोलना चाहते हैं, गुड नाइट, गुड नाइट, चलिए फ्रेंड गुड नाइट बाय बाय।
बाय।